डीजल ऑरेंज फ्लेवर में, कौन से फ्लेवर में डालोगे? पाइनएप्पल ऑरेंज डीजल है, डीजल है, डीजल है, डीजल डालना है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू ऑल इन माय न्यू व्लॉग। मौसम बहुत ह्यूमिड हो रहा है, वो नया तूफान जो आने वाला है ताऊते, वो हिट करता है, वो क्रॉस करेगा, बारिश भी हो सकती है तेज एक दो दिन में। जिस दिन वॉक ना करो उस दिन अजीब सा लगता है, इनकम्प्लीट कुछ रह गया हो जैसे, और सारा दिन आलस आता रहता। तो आप भी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे वॉक करें, साइकिलिंग करें, योगा करें, कुछ भी एक्टिविटी, सुबह जल्दी उठ कर सारा दिन फील गुड आएगा आपको। चलिए, मेरा फ्रेंड आ रहा है साइकिलिंग करके, उसका फ़ोन आया था, मैं बाहर मिल लूँ उससे, फिर घर चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये हमारे परम मित्र पधार रहे हैं साइकिलिंग करके, वेरी नाइस। कैसे हैं मिस्टर अमनदीप सिंह जुनेजा? आज ऑसम है देखो, आप बताओ क्या हाल है? एकदम बढ़िया। व्लॉग तो नहीं बना रहे? हाँ व्लॉग ही बना रहा हूँ। अरे वैसे ही सेक्सी है यार तू। चलो बात करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत बोर हो रहे थे बैठे बैठे घर में, तो दक्ष ने कहा चलो कहीं चक्कर मार के आते हैं। मैंने कहा चलो भाई, गाड़ी में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। और आप सब लोग कैसे हैं? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। माहौल तो बहुत ख़राब चल रहा है, लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया है, 30 तारीख तक हो गया है, पता नहीं कब नॉर्मल दिन आएंगे वापस। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, चारों तरफ नेगेटिविटी छाई हुई है। चलिए देखते हैं, कुछ चक्कर मार के आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, किसी अच्छी जगह एक्सप्लोर करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सिटी से बिल्कुल बाहर नेशनल हाईवे पर आ गए हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पेपर में आता है कि चेकिंग हो रही है बॉर्डर पर, बाहर की सीमा से जो लोग आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, जो लोकल के हैं उन्हें एंट्री दी जा रही है, जो बाहर के उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही, ऐसा मीडिया वाले कहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं है बॉर्डर पर। ये नेशनल हाईवे है, इस तरफ दिल्ली, इस तरफ झांसी बॉम्बे, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, देख सकते हैं आप, इजीली हम बाहर आ गए। सी द व्यू। पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है छोटा सा रमाउआ डैम। ये हमारे घर से 7-8 किलोमीटर दूर है सिटी से। देख रहे हैं आप, सूख गया है बिल्कुल, ये एकदम ड्राई, बहुत पानी होता था यहाँ पर। और इस तरफ एक गोल्फ कोर्स बन रहा है, लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया है उसका। अच्छी जगह, बहुत लोग आते हैं, पब्लिक काफ़ी आती है, तो फिर साइकिलिंग करने भी के बाद भी हम यहाँ आते थे, रेस्ट करते थे थोड़ा। आइए, ये यहाँ पीछे देख रहे हैं आप, छोटा सा गांव है, ज़्यादा तो लोग नहीं रहते यहाँ पे, 50-60 मकान होंगे यहाँ पर।
ये एक छोटा सा गांव है, इसका नाम है डोंगरपुर। सिटी के साथ हाईवे, हाईवे के इस तरफ होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी मास्क नहीं लगा के रखा हुआ, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में, मतलब लास्ट ईयर से ही आना शुरू किया था इस जगह को पहली बार, तभी देखा था जब साइकिलिंग करने आते थे मॉर्निंग में। बहुत अच्छे फोटोज आते हैं मॉर्निंग में, सनराइज होता है इस जगह पर, तभी एक्सप्लोर की थी ये जगह लास्ट ईयर, तभी से बाहर आ गई, लोग बहुत लोग आना शुरू हो गए। पिकनिक मनाने आते हैं लोग यहाँ पर, खाना बनाते हैं यहाँ पे आके। आप भी सोच रहे होंगे क्या क्या दिखा रहा हूं मैं, अभी गरीब ब्लॉगर है ना, रमा हुआ दिखा रहा हूं मैं आपको, हंसी आ रही होगी आपको। नहीं, लिस्ट में है, दुबई जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, और यूरोप टूर करना है पूरा, रशिया भी जाएंगे, बहुत ही सस्ती कंट्री है, बहुत कुछ है लिस्ट में। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, हम नई नई जगह आपको दिखाते जाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट है हमारी। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, ये अच्छी बात नहीं है, नाराज हूं मैं आपसे। कर दो यार सब्सक्राइब, कर दो लाइक, कर दो शेयर, कर दो कमेंट, कर दो कुछ तो कर दो। ये देखिए हाईवे पर ही है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट विरासत पंजाब। कुछ मत चलाइए दिमाग अपना, इसने हमें कोई पैसे वैसे नहीं दिए, वैसे ही हम जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको कि इधर से निकले तो वेज खाना अच्छा होता है यहाँ पर। पापा दिए, कोलैबोरेशन किया पापा, झूठ नहीं बोलते दोस्तों। पहले ऑप्शन थे लोगों के पास सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम चलाते थे, फेसबुक चलाते थे, व्हाट्सएप चलाते थे। आजकल नया से यहाँ पे आया हुआ है कोविन। सुबह से रात तक ओटीपी डालते रहो, फिर उसमें कैप्चा डालते रहो, मिलता कुछ नहीं, बाबा जी का टुल्लू। वैक्सीन के पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। आज तो नया ऑप्शन भी ऐड हो गया, रशियन स्पूतनिक। देसी मिल नहीं रही, विदेशी के सपने दिखा रहे हैं ये लोग। सारा दिन कैप्चा डालते रहो। तो माता निकलने दो हमको, लड़ो नहीं रोड पर बच्चों, हटो, पोज दे रही हूँ, हट रही हूँ, समझदार थी बढ़ रही, ये थोड़ा एटीट्यूड। ओ बेटा एटीट्यूड सुनते ही गुस्सा आ गया। आज हमने दिन में राधे मूवी भी देख ली, ठीक थी, वन टाइम वॉच। अब टाइम इतना है तो क्या करें, वैसे तो लोग कह रहे हैं मत देखो, बहुत सारे मेम्स भी आ गए हैं उसके ऊपर, लेकिन हमने कहा चलो देख लेते हैं। आप में से भी कोई देखना चाहते हैं जी का सब्सक्रिप्शन लिए बिना, तो कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको भेजेंगे कोड जिससे आप फ्री में देख सकते हैं राधे मूवी HD क्वालिटी में, ठीक है। आज फ्यूल खत्म हो गया गाड़ी में, तो मैं याद कर रहा था कि लास्ट टाइम कब भरवाया था, तो शायद 15 अप्रैल को मैं शादी में गया था आगरा, तो वहाँ 10 रुपये सस्ता था, तो वहाँ डलवाया था मैंने लास्ट टाइम, और आज क्या 16 तारीख है, शायद 2 महीने बाद फ्यूल डलवा रहा हूँ। लॉकडाउन, थैंक्स टू लॉकडाउन फॉर सेविंग अवर मनी। डीजल ऑरेंज फ्लेवर में, कौन से फ्लेवर में डालोगे, पाइनएप्पल ऑरेंज? डीजल डालना है ना? हाँ। कितने डालनी है? 2000 का। पेटीएम नहीं है, कैश है, कैश दे देंगे। भैया 5 पॉइंट डाल दो पीछे वाले में, केवल 5 पॉइंट पीछे वाले में। जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं तो उसके साथ धनिया फ्री मिलता है ना, तो हमने फ्यूल डलवाया तो हमारी गाड़ी में 5 पॉइंट कम थे पीछे वाले टायर में।